अभी जस्ट खबर मिला है कि यहाँ पे एक बुजुर्ग जो है वो बेहोश होके गिरे हुए थे और कोई उनको उठारा नहीं था, बट अभी तुरंत फ़ोन आया है कि शायद कोई उनको उठा लिया है। मेरे को पता चला, मैं घर में था तो मैं खुद आया था कि अगर कोई उठा नहीं रहा तो मैं उठा करके लेके जाऊंगा, लेकिन पता चला है कि कोई उठाया है उनको और उठा करके अनुमंडल अस्पताल की तरफ ले करके जा रहा है। तो चलिए अभी थोड़ा सा देखते हैं कौन है, अगर उनके घर वाले को कोई पहचानता है तो वो बताएं और उनको जो है उनके घर तक पहुँचाएँगे जो भी बुज़ुर्ग हैं। यहीं पर पता चला था कि यहीं पर गिरे हुए थे और कोई उनको उठा नहीं रहा था, लेकिन अभी शायद उठा करके लेके जाया जा रहा है। पहले देख लेते हैं और अगर कोई उनको जानता है तो वो भी बताएं और उनके परिवार वाले तक जो है हम लोग पहुँचा देंगे उनको। थोड़ा सा यहाँ पे ट्रैफिक भी आ गया है तो लाइन में आप लोग रहिए और इनको कोई अगर जानता है सबसे बड़ा बात है। एक बुजुर्ग यहाँ पे गिरे हुए हैं, कोई उनको उठाने वाला नहीं है। ऐसे मत करो आप लोग, अगर आपके घर में कोई अगर इस तरह से गिरे रहेंगे तो क्या करोगे फिर आप लोग। चलिए अभी चलते हैं और देखते हैं कि कहाँ पे है उनको। ऑटो में बोला गया है कि लेके जाया जा रहा है। राहुल नाम का एक लड़का वो फ़ोन किया था, फिर एक तौसिफ नाम का लड़का वो मेरे को फ़ोन किया और बताया कि ऐसा ऐसा बात है। अभी हम उसी टोटो को ढूंढ रहे हैं और अनुमंडल अस्पताल के पास जा रहे हैं। कौन है पहले तो वो देखेंगे, उनके परिवार वाले से संपर्क करेंगे। चकदरपुर और आसपास के इलाके में जो आए दिन जो ये दुर्घटना हो रही है, एक्सीडेंट हो रही है, उस पर जो है पुलिस प्रशासन काफ़ी अभी देख रहे हैं कि सतर्कता बरत रही है। और आप लोगों से भी निवेदन है कि अगर कोई इंसान अगर गिर जा रहा है रोड पे तो एटलीस्ट उनको जो है घर पहुँचाएँ, हॉस्पिटल लेकर के जाए कम से कम, ऐसे रोड पर नहीं रहे। क्योंकि एक घंटा का जो गोल्डन आवर रहता है अगर उस पर हम लोग हॉस्पिटल लेके चले जाते हैं, ट्रीटमेंट करवा देते हैं, तो बहुत चांसेस होता है कि उनका जान बच जाए। हम लोग ऑलमोस्ट अभी जो है महेंद्र सिंह पेट्रोल पंप के पास हैं, लेकिन यहाँ पे तो अब तक जो है नज़र नहीं आए, शायद वो आगे लेकर के जा रहे हैं। मंडल अस्पताल तो मेरे को बताया गया है, हाँ शायद ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, यही है ना। अच्छा, ये तौसीफ देख के लेकर के जा रहा है, ये लड़का जो है तौसीफ नाम है इसका, हमारे मोहल्ला का ही लड़का है। क्या कोई उठा नहीं रहा था क्या? और ये परवेज है, ये लोग दोनों मिल करके उनको उठाया है और देखिए आप लोग के टोटो में लेकर के जा रहा है। तू भी फ़ोन किया था मेरे को? अच्छा, ये लड़का देखिए कितना अच्छा काम किया है, इसको उठा करके ले के जा रहा है चाचा को। हम लोग चलते हैं अब अनुमंडल अस्पताल की तरफ, इनको ले करके जाते हैं और ले जा करके जो है उसका पहले हम लोग ट्रीटमेंट कराएंगे और कोशिश करेंगे कि क्या हुआ ये सब। बात कर रहे हैं कुछ? सर में चोट लग गया, एक्सीडेंट हुआ है क्या? हाँ मतलब वही एक्सीडेंट ही हुआ है। ये टोटो में लेकर के जा रहे हैं अभी हम लोग और लगभग अनुमंडल अस्पताल पहुँच रहे हैं। ये चाचा है, गांव के लग रहे हैं और ये भैया जो है उनको लेकर के आ रहे हैं। चलो कम से कम दो लोग जो है वो लोग इतना तो किए कि उठाए यहाँ पर। तौसीफ और परवेज दो लड़का है यहाँ पे। चलिए हम लोग अनुमंडल अस्पताल पहुँच चुके हैं और उनको जो है दिखा करके ऑटो में लेकर के आया है यहाँ पे। उनका बैग भी है क्या साथ में? बैग है ना, ठीक है, उठाना पड़ेगा, तुम उधर करो थोड़ा सा, दो आदमी यार इधर पकड़ना पड़ेगा भाई, थोड़ा कैमरा संभालिए। बैग निकाल दे, बैग निकाल दे।
पॉकेट से पहले देखो तो कुछ आधार कार्ड मोबाइल वगैरह कुछ है तो निकालो उसको, चोट न गया समझे। बहुत दो बुतरू था ना, वो बोला बैठ रहा था ना तो बैठने नहीं सका, गिर गया, गिर गया तो चोट लगा तो छोड़ के भाग गया। उठाओ ना उसको, वैसे खोलो ना, उठाओ ना तुम। अरे बैग के इसको खोल दो ना, ये वाले को खोल दो बैग का। पॉकेट में कुछ निकला, आधार कार्ड निकला है, डॉक्टर है ना? हाँ है, नहीं खोल रहा, जूता होता नहीं है इनका, तो चप्पल उपल नहीं है, वो घर ही फेंकाया, अच्छा घर गिर गया है, बैग से कुछ समझ में आएगा क्या है, नहीं है बैग को उधर रखते हैं, ठीक है। अरे लेते हैं तभी समझ में आएगा, कुछ काट दीजिए, फोन कट कर दीजिए, कुछ तो समझ नहीं आ रहा है। चल रहा है, पैसा वैसा है ना, तो ये है भाई। नहीं परवेश थोड़ा सा पकड़ो इधर से मोबाइल, उधर वहां से करो, कुछ नहीं है, इनका एक्सीडेंट हुआ है, कोई मार करके भागा है और समझ नहीं आ रहा कि कौन मार करके भागा है। बच्चा सब वही लोग काम किया, हम लोग को रोका, बोले चलो पकड़ो उसको, उठा हम लोग पहुंचा देते हैं। कोई मार दिया होगा, चप्पल बाहर काट दो, फोन काट दो, कौन था सांस चल रहा है, अगर कोई जानते हैं तो कमेंट कीजिए, और बताया हुआ है कोई परिवार वाले को या इनको जानता है तो बताइए, फिर हम लोग पहुँचाएंगे आपके घर तक का, शक्ल देख करके अगर कोई पहचान रहे तो। खोलिए तो स्वेटर मजर भाई, इधर इधर बाजू पे ही देंगे ना, ये भी तो फुल हाथ का टी शर्ट है, फुल हाथ का टी शर्ट ले पकड़ दो। पहचानते हैं तो बताइए, फिर इनको हम लोग कोशिश करेंगे कि घर तक पहुंचा के लेके जाए।
या फिर इनके परिवार वाले से संपर्क करें। हमको भी पूछे ना उसे तो उसे तो हमको भी पूछे नहीं हमको लग रहा अल्कोहल समझे मजर भाई हमको लग रहा अल्कोहल भी है अल्कोहल लिया हुआ बात ये है ना कि मैं बहुत लोगों को ये चीज बोल रहा हूँ कि रोड में ये गिरे हुए मेरे को 5 मिनट पहले फोन आया हम घर से उठ करके आए सब ये लोग देखे की उठा करके लेकर के जा रहे हैं तो कोई अगर पड़ा हुआ इंसान है भाई एटलीस्ट आप हॉस्पिटल तक लेकर के आओ पुलिस आपको परेशान नहीं करेगी ये चीज आप लोग अभी भी सोच रहे हैं पुलिस को हमसे पूछताछ करेगी ऐसा कुछ नहीं है आप आइए और पहुंचाइए आकर किसी घर तक इवन अगर आप गोल्डन आवर में 1 घंटे में अगर पहुंचाते हो तो पुलिस के द्वारा जिला प्रशासन के द्वारा आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा ये चीज आप लोग समझिए इस चीज को आप अगर किसी का जान बचाते हैं तो आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा ये चीज आप लोग समझते नहीं है डरते हैं कि पुलिस को ये करेगी वो जमाना खत्म हो गया जान बचाइए किसी का फिलहाल हम लोग इनको अनुमंडल अस्पताल लेकर के आए हैं और डॉक्टर साहब जो है वो आ रहे हैं उनका ट्रीटमेंट दिया जा रहा है फर्स्ट एड दिया जा रहा है और आप उठा के क्या भैया क्या नाम हुआ आपका मेरा नाम गगन कुमार गगन कुमार भैया है देखिए कोई टोटो वाले रुक रहे नहीं थे लेकिन इन्होंने तुरंत रुक करके उनकी मदद की है ना भैया ऐसा मतलब बहुत इस चीज को देखा जाता है कि टोटो वाले भी नहीं रुकते हैं डायरेक्ट चले जाते हैं लेकिन आप एक चीज तो बहुत अच्छा ही गिरे हुए थे रोड में समझे ना तो उठा करके लेके आए हैं हम लोग इनको ना कुछ सामान नहीं निकला चढ़ जाए ना तो ये एक आदमी चढ़ जाए आराम से अभी हम लोग तो इनको हॉस्पिटल में लेकर के आ गए हैं उनका सामान भी ले आना ना यहीं पे रख दिला करके ठीक है अभी होश आ जाएगा तो फिर समझ में आएगा फिलहाल तो हम लोग इनको हॉस्पिटल लेकर के आ गए हैं अनुमंडल अस्पताल में और यहाँ पे एडमिट कर दिए हैं अब हो सकता है सलाइन वगैरह चढ़ाया जाएगा जैसा डॉक्टर के अकॉर्डिंगली आगे होगा प्रोसेस
एक गाड़ी वाला ऐसा लग रहा हम लोगों को कि इनका एक्सीडेंट हुआ है और कोई मार करके यहाँ से चला गया है। इधर पैर के पास रख दो। तो फिलहाल हम लोग इनको जो है हॉस्पिटल लेकर के आकर के यहाँ पे इनको एडमिट कर दिया अनुमंडल अस्पताल में। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, देखिए जैसे परवेज हुआ, उसके बाद आप देख रहे थे तौसीफ हुआ, ये सब मिल करके यहाँ पर लेकर के आया है। एक भाई और था बाहर, क्या टोटो वाले है ना, उनका डंटा भी रख दो, रिपोर्ट बनवा देते हैं। ठीक है, चलो आप। इतना बड़ा कुछ बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है किसी का जान बचाना, आप लोग समझते नहीं है इस चीज को। ऐसे रोड में कोई गिरा हुआ है, कोई उठाने वाला नहीं आता है, तो ऐसा बहुत बड़ा चीज नहीं है। पूरा प्रोसेस देखिए, हम लोग कैसे उठा करके लेकर के आए, कैसे किसका जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत बड़ी चीज नहीं है ये। लेकिन आदमी लोग बहुत, मतलब ऐसा हो रहा है कि डर रहे हैं कि नहीं कुछ हो जाएगा, पुलिस पकड़ लेगी। आप एक्सीडेंट नहीं किया तो क्यों आपको पुलिस पकड़ेगी, आप जान बचाइए यार किसी का। कुछ हम लोग को लिखाना पड़ेगा, कहाँ नहीं है सर, देखे ना कहाँ। हाँ अभी तो आए थे, किधर गए? अच्छा अच्छा सर, कुछ डिटेल लिखाना होगा उनका, पता तो हम लोग को भी नहीं है, लेकिन आप लिख लीजिए, मेरा नाम नंबर लिख लीजिए ऐसा का, अगर कुछ जरूरत हो तो। सीकेपी लाइव से हम है मजहर, सीकेपी लाइव न्यूज, मजहर नाम है मेरा, न्यूज। हाँ ठीक है ना, हाँ नंबर ले लीजिए 95340। न्यूज चल रहा है मैडम, लाइव चल रहा है 95340-31409। ठीक है ना सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हम लोग ऐसे एक बार रात में आके उनका देख लेंगे कैसा है क्या है ना। हाँ कोई मिल जाए और जो भी रहे, ठीक है। ए तौसीफ इधर आ, रात में आके एक बार देख लेना है, ठीक है, कैसा है क्या है। हम लिखा दिए हैं, नंबर वगैरह लिखा दिए हैं, सारा चीज। तो चलते हैं घर, चीज समझाया, जान बचाने की कोशिश किया जाए, चलो चलते हैं। Oh, that's the right thing.